देश का नाम इंडिया बदलकर भारत रखे जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत द्वार करने की मांग की है। इसको लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया गेट गुलामी का चिन्ह बताते हुए उसे मिटाए जाने की बात कही है। आगरा में देश का नाम इंडिया और भारत को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब दिल्ली इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। योगी यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने दिल्ली इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत द्वार रखने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया गेट गुलामी का चिन्ह है, जिसे मिटाया जाना चाहिए। आज देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। जैसे देश का नाम इंडिया से भारत कर वर्षों पुरानी भूल को सुधारा जा रहा है, वैसे ही अब दिल्ली इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत द्वार किया जाना चाहिए, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को गर्व की अनुभूति होगी और कहेंगे कि हम भारत द्वार देखकर आए हैं। इससे आज की युवा पीढ़ी को भारत के इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। वहीं अजय तोमर ने अपने बयान में कहा है कि भारत का एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व रहा है, भारत बलिदानियों की धरती रहा है। इंडिया और भारत देश के नाम को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, वहीं हमारे भारत का एक ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास रहा है, पौराणिक महत्व रहा है। अभी G20 समिट दिल्ली में हुई, जहाँ महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो आमंत्रित मेहमानों को किया, विदेशी जो भी हमारे राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री विदेशों से जो आए, उन्हें भारत के नाम से आमंत्रित किया गया। यह बहुत ही स्वागत योग्य और सराहनीय कदम रहा। तो इसी कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग है कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में इंडिया गेट है, उस इंडिया गेट का भी नाम बदल कर भारत द्वार किया जाना चाहिए। वहाँ पर इंडिया गेट पर लाखों लोग जाते हैं, वहाँ पर सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, एल्बम बनवाते हैं। तो इंडिया गेट यानी गुलामी की मानसिकता का प्रतीक चिन्ह है, इसलिए उसका नाम भारत द्वार होना चाहिए। भारत द्वार होने से आज की युवा पीढ़ी को भारत के ऐतिहासिक महत्व, भारत के इतिहास, भारत के पौराणिक जो भी हमारा महत्व रहा है, उसके बारे में उन्हें जानने का अवसर प्रदान होगा। ये भारत की धरती बलिदानियों की धरती रही है, ये भारत की धरती पुण्य भूमि रही है, इसलिए अब दिल्ली इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत द्वार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से राष्ट्र प्रमुखों को G20 समिट का आमंत्रण भेजा गया था, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इस निमंत्रण के सार्वजनिक होने के बाद से ही राजनीतिक दलों ही नहीं देश भर में बहस छिड़ गई कि क्या केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर सकती है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया के बजाय भारत ही कहना चाहिए। वही कयास लगाए जा रहे हैं कि देश का नाम बदलने के लिए संसद में विधेयक लाया जा सकता है। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।